हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है लीम का सोडा और नींबू पानी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीम का सोडा और नींबू पानी बनाना। लिमका और सोडा बनाने के लिए हमने ये 3 नींबू लिए हैं, इनको हमने कट कर लिया है। और ये हमने लिमका ली है, ये सोडा लिया है, और ये हमने भुना हुआ जीरा लिया है आधा चम्मच, और ये थोड़े से हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं, ये काला नमक लिया है। सबसे पहले हम नींबू पानी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लिमका सोडा बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और अब मैं इसमें ये पुदीने के पत्ते डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें ये नींबू निचोड़ लूंगी। मैं इसमें 2 नींबू निचोड़ूंगी और 1 नींबू मैं लिमका सोडा में इस्तेमाल करूंगी। और अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दूंगी, साथ ही मैं इसमें ये काला नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, और भुना हुआ जीरा 1/4 चम्मच। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी और अब मैं इसमें 1 बड़ा सर्विंग स्पून बर्फ डालूंगी और इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और अब मैं इसे खोल के देखूंगी और ये हमारा नींबू पानी बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसे गिलास में डालूंगी। थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा ऊपर से डाल दूंगी। ये हमारा नींबू पानी बन चुका है, अब हम लिमका सोडा बना के तैयार करेंगे। मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैं सबसे पहले नींबू को निचोड़ूंगी, जो मैंने 1 नींबू बचाया हुआ था उसको निचोड़ लूंगी इसके अंदर। इसमें ये सोडा डालूंगी साथ ही मैं इसके अंदर ये लिमका डाल दूंगी। इसके अंदर नमक डालूंगी, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लेना इसमें। और अब मैं गिलास के अंदर ये 1 सर्विंग स्पून बर्फ डाल दूंगी और अब मैं ये लिमका सोडा को डाल के तैयार कर लूंगी। और ये हमारा लिमका सोडा और ये नींबू का सिकंजी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।